हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अभी आप देख रहे हैं मेरे पीछे खड़ी है सुपर स्प्लेंडर, जो लेटेस्ट मॉडल आया है फुली ब्लैक कलर में। तो मैं इसमें और आपको ग्लैमर एक्सटेज में क्या डिफरेंसेस हैं, तो जो लोग दोनों इन गाड़ी में से कंफ्यूज हैं कौन सी गाड़ी हम लें, या तो ग्लैमर एक्सटेज नई वाली लें या सुपर स्प्लेंडर हम नई वाली लें, तो वो कन्फ्यूज़न मैं आपको इस वीडियो में दूर करूँगा और आपकी चॉइस जो है वो काफ़ी आसान कर दूँगा। तो दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं फीचर्स में और प्राइस में, उस पर हम बात करेंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर दीजिए, और ऐसे ही कंटेंट और ऐसे ही वीडियो आपको देखने को आगे मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप देख सकते हैं जो अभी 2022 में बिल्कुल न्यूली लॉन्च हुई है हमारी सुपर स्प्लेंडर फुली ब्लैक में, जो आपको वन एंड ओनली सिंगल यही कलर में मिलेगी, और डिस्क वेरिएंट और ड्रम वेरिएंट में आपको देखने को मिल जाएंगी। तो दोनों वेरिएंट्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो इसके फीचर्स आप देख सकते हैं, आपको ये फुली ब्लैक में आपको देखने को मिलती है, और सिंगल डिस्क आपको इसमें देखने को मिल जाता है। जो डिस्क इसका आएगा 240 mm का आ जाएगा, और ड्रम ब्रेक 130 mm का आ जाएगा। टैंक की अगर मैं बात करूं तो 12 लीटर का आपको इसमें टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है, और हेलोजन बल्ब के साथ में आपको पूरी गाड़ी देखने को मिलती है। उसके फ्रंट में आप देखेंगे तो हेलोजन बल्ब मिलेंगे, और क्रोम का आपको ट्रीटमेंट इसमें देखने को मिल जाता है। और फुली आपको आप देखेंगे तो ब्लैक में आपको ग्लॉसी लुक में पूरी गाड़ी देखने को मिलती है, और इंजन आपको वही 124cc का इंजन आपको इसमें देखने को मिल जाता है। अब मैं लेके चलता हूँ आपको ग्लैमर की तरफ, तो फटाफट आपको ग्लैमर में फ़ीचर्स क्या क्या आपको मिलते हैं वो भी बता देता हूँ मैं। और ये आ जाती है हमारी ग्लैमर एक्सटेक। तो आप देख सकते हैं ये हमारी DRL फुली LED सेटअप के साथ में आती है, और जो हमारी सुपर स्प्लेंडर आती है वो हमारी हेलोजन बल्ब के साथ में आती है। और यहाँ पे आपको 3D लुक में आप देख सकते हैं ग्लैमर एक्सटेक की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। अब मैं आपको सेम क्या क्या है वो बता देता हूँ दोनों गाड़ियों में, से आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। इंजन आपको सेम मिलता है सुपर स्प्लेंडर में भी और ग्लैमर में भी। टैंक आपको इसमें 1 लीटर आपको कम कैपेसिटी मिलती है, सुपर स्प्लेंडर में आपको 12 लीटर का मिलता है, और इसमें आपको 11 लीटर का टैंक मिल जाता है। और आप देख सकते हैं फीचर्स और लुक पूरा आपको डिफरेंट लुक मिलता है, पूरा स्पोर्टी लुक आपको देखने को मिल जाता है ग्लैमर एक्सटेक में। और यहाँ पे हमें LED सेटअप मिलता है, डिस्क हमें दोनों में ही मिलते हैं, इसमें भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ये रहा आपका डिस्क वेरियंट ग्लैमर एक्सटेक का, और ये हमारी रही सुपर स्प्लेंडर डिस्क वेरियंट। तो आप देख सकते हैं इसका फ्रंट लुक आप देख सकते हैं, और ग्लैमर एक्सटेक का फ्रंट लुक देख सकते हैं। तो दोनों में आपने देखा डिफरेंस काफ़ी है। ये स्पोर्टी लुक आ जाता है पूरा इसका ग्लैमर का, और फुल लुक आप इसका देख सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है ये। और इसमें आपको जो मिलता है फुली डिजिटल मीटर आप देख सकते हैं देखने को मिल जाता है। आपको इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाएगी, सारे फीचर्स मिल जाएंगे आपको, ट्रिप मिल जाएंगी इसमें देखने को, एवरेज मिल जाएगा, क्लॉक मिल जाएंगी, स्पीडोमीटर आपको, ऑडोमीटर आपको फुली डिजिटल देखने को मिलता है। चार्जिंग पोर्ट का आपको ऑप्शन इसमें देखने को मिल जाता है। और आपको सुपर स्प्लेंडर की तरफ आ जाती है हमारी सुपर स्प्लेंडर। तो सुपर स्प्लेंडर में आपको एनालॉग और डिजिटल मीटर देखने को मिलता है, ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन आपको इसमें देखने को मिल जाती हैं। इसमें भी आपको चार्जिंग पोर्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और सेम आपको बटन जैसे ग्लैमर एक्सटेक में मिलते हैं वैसे ही इसमें मिलते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों के प्राइस की। तो लुक्स आपने देख लिया, ये रही सुपर स्प्लेंडर और वो रही हमारी ग्लैमर एक्सटेक। तो दोनों के प्राइस की अगर हम बात करें तो ज़्यादा डिफरेंस दोनों गाड़ियों में नहीं आता है। तो अगर आप दोनों गाड़ियों में से ग्लैमर एक्सटेक में से और सुपर स्प्लेंडर में से एक लेना चाहते हैं तो मैं आपको इन दोनों का प्राइस बता दे रहा हूँ। आपने लुक्स देख लिए, फ़ीचर्स आपने देख लिए, तो आप फ़ीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो आपको फुली ब्लैक में ये मिलती है, और ग्लैमर में आपको कुछ ग्राफिक्स और कुछ स्टिकर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, और फुली डिजिटल मीटर आपको ग्लैमर एक्सटेक में मिलता है, और इसमें हमारा एनालॉग और डिजिटल दोनों मीटर आ जाते हैं। और ये हमारी हेलोजन बल्ब के साथ में आती है, और वो DRL LED सेटअप के साथ में ग्लैमर आ जाती है। तो चलिए करते हैं हम इन दोनों के प्राइस की बात। तो प्राइस अगर मैं बात करूं तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, खाली 8,000 रुपये का डिफरेंस दोनों ही गाड़ियों में लगभग आ जाता है। जो आपको सुपर स्प्लेंडर डिस वेरिएंट में पड़ती है ऑन रोड प्राइस, वो 1,200 रुपये पड़ती है। तो ग्लैमर की अगर मैं बात करूँ तो ग्लैमर आपको ऑन रोड एक्सटेक पड़ती है 1,08,104 रुपये। तो जैसा कि मैंने बताया आपको सिर्फ दोनों गाड़ियों में 8,000 रुपये का डिफरेंस मिलता है, लेकिन फ़ीचर्स आपको काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं ग्लैमर में। तो जो मेरा ओपिनियन है वो आपको ग्लैमर ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि इसमें आपने देखा सुपर स्प्लेंडर
जो हमारी न्यू वाली है उससे आपको काफ़ी अपडेटेड फीचर मिल जाते हैं, जैसे फुली डिजिटल मीटर आपको मिलता है जो काफ़ी डिमांडेड है, और फुली LED सेटअप हमें इसमें देखने को मिल जाता है। बाकी लुक्स की बात करें तो पूरी गाड़ी का लुक्स आपको बिल्कुल डिफरेंट मिल जाता है देखने को। बाकी अगर हम टायर की बात करें, इंजन की बात करें, तो दोनों गाड़ियों में आपको सेम ही मिलते हैं। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। वैसे ही आपको कंपैरिजन वीडियो आगे देखने को मिलते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग किसी नए कंटेंट के साथ, नए वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय।